ये वीडियो मेरी कोई भी गेम या फिर मोड की वीडियो नहीं होने वाली है। ये मतलब कि मैं कुछ अलग ही वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब स्टोरी टाइप वीडियो। तो ये अलग ही मतलब कुछ समझ रहे हो ना, मतलब ये मेरी पहली स्टोरी टाइप वीडियो होने वाली है। और उसमें मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि होने वाली है मेरी गर्लफ्रेंड। अब उसको गर्लफ्रेंड बोलो क्या भी बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे जाकर उनको सब पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बाकी ये मेरे मतलब मेरे चैनल पर, इस सारे चैनल पर अभी ऐसे कंटेंट और भी आने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और एक कंटेंट तो ऐसा है ना, मतलब कि जो मैंने सोच रखा है उसमें, मैं सच्ची कह रहा हूँ, उसमें अगर आप लोग वो वीडियो देखोगे तो आपको हंसी बहुत ही आने वाली है। मतलब मैं सोचने में ऐसी आ रही मुझे, तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑल पर सेट कर लेना, जिससे आपको मतलब मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि अभी जाके कुछ अलग ही वीडियोज़ आने वाली है। बाकी जो मेरी गेमिंग के मूड की थी वो भी आती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग वीडियोज भी आने वाली है। तो देखने के लिए ना सब्सक्राइब कर लेना। तो ये बात है 2019 की, और उस टाइम में मैं 11-12 साल का था, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था। बाकी मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ कि उस स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई थी। तो एक्चुअली मेरे कोई चाचा है, मतलब रिलेटिव्स में लगते सके चाचा नहीं है, तो उनको कहते थे वो क्राइम में रहते थे। तो उन्होंने ना कहीं और पे घर लिया था, वहाँ पर तो एक मतलब अपने भाई से जो उनका लड़का था वो सब मिलने के लिए जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पर एक पेड़ था, उसे सहसूत का पेड़ था। बाकी हमारे वहाँ तो सहसूत कहते खाते हैं, जैसे मतलब काले काले होते हैं, आपके पास ऐसे कुछ और कहते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सहसूत का पेड़ था। तो वहाँ पर क्या था, वो मतलब हम लोग ना वहाँ वो पेड़ के ऊपर चढ़ के ना, मतलब जगह थी बहुत बढ़िया जगह थी, तो वहाँ पर हम लोग बैठते थे। बाकी मेरे मतलब कोई दोस्त था पहले मुझे, मतलब ये है अभी भी है, तो उसके साथ हमने क्या कहा था, मेरे चाचा ताऊ के लड़के के साथ हमने उस पेड़ पर एक वो मतलब एरिया बनाया था बैठने बैठने के लिए, लेटने बैठने के लिए। तो उस पर हमने लकड़ियाँ पत्ते पत्ते लगा के ये सब करा था। तो बाकी इसमें बहुत हम लोग मतलब शाम के टाइम पे समोसे पैसे वैसे लेके समोसे समोसे चौमिन वोमिन खाते थे वहाँ पर, तो बहुत ही मज़ा आता था। बाकी फिर जो एक दिन आया, एक दिन क्या हुआ कि महाबल हम लोग सुबह सुबह आए थे, तो आगे देख रहे हैं जिस लड़की की मैं बात करने वाला हूँ उसी लड़की के मतलब बहन और भाई क्या कर रहे थे, उस पेड़ में से सब कुछ हटा रहे थे, लकड़ी वकड़ी सब कुछ हटा रहे थे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो मेरे दोस्तों के साथ था, मतलब भाई भाई जो थे वो उनके साथ खड़े होकर देख रहा था बस। और बाकी जो मेरा वो मेरा जो ताई का लड़का था छोटा वाला, वो कह रहा भाई तेरे वजह से ये सब हो गया है, क्योंकि मैं कुछ मना नहीं करता था, वो बनाया तो मेरे वजह से था। तो उस पेड़ के लिए मतलब वो लगे मेरे पे कहने लगे थे कि तेरे वजह से हो रहा है। बाकी वहाँ पर फिर आई थी वो जिसकी बात होने वाली है, उसका मैं नाम बता नहीं सकता किसी रीजन की वजह से। तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं कोई कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन। अब मुझे पता है बहुत सारे बोलेंगे भाई तू तो ट्रिगर्ड इंसान किस तरह से बोल रहा है, तो भाई अब इस टाइम पे मैं उसका नामकरण थोड़ी करने बैठूंगा, मतलब नामकरण थोड़ी करूंगा उसका। तो जो नाम मेरे को समझ में आया मैं वही रख दे रहा हूँ, गुलाब जामुन नहीं रसबरी। हाँ सही है, गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है, उसके बाद रसबरी सही है नाम। तो रसबरी जो थी वो आती है हमारे पास, अब मैं उससे कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ मतलब थोड़ी थोड़ी बात होती है ये वो ये वो, फिर मैं क्या अपने भाई से कहता हूँ जाए वो एक ओएस लिया। तो ओएस ले आता है, ओएस लाने के बाद में मतलब हम खा रहे होते तो वो भी थी, मैंने कहा मैं भी उसको दे देता हूँ खाने के लिए, तो वो ले भी लेती है। बाकी जो मैं अपने भाई से कहता हूँ कि भाई पसंद अच्छी लग रही है, मतलब पसंद है ऐसे, तो जो मेरा ताई का लड़का था उसने क्या करा, उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि दीदी वो लड़का तुम्हें पटा रहा है। अब ऐसे उसने बोल के, मैंने कहा सारे तो झूठ क्यों बोल रहा है, तो ऐसा उसने बोल दिया उसके सामने। और बल्कि उस टाइम मेरा इतनी बात बात भी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे लगा गुस्सा हो जाएगी ये सब हो जाएगा, नहीं वो मेरे से बातें करने लग गए बल्कि। और तो बाकी जब वो चले गए थे, मैं अपने भाई के घर पे गया था, तो चाचा का लड़का था वो मेरे से कहता साले जब मैं उसको मतलब मैं जब से आया हूँ तब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, साले तेरे से ऐसी बात हो गई ऐसे करके, वो हम लोग बात कर रहे थे। तो ऐसा हुआ था स्टार्ट। और बाकी फिर अभी मैं आगे जाके कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा ना जिसके हिसाब से ऐसे हंसी भी आ जाए। तो ऐसा करके हमारी बात बात हुई थी, फिर हर दिन मिलना मिलना ऐसा वो मतलब बातें बातें चली थी। तो फिर आया था मतलब फिर 2020 आ गया था, उस टाइम पे थोड़ा कोरोना वोरोना का चल रहा था ना, अभी उसमें बीच में मतलब कुछ बातें बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो वो ज़्यादा अच्छी बातें भी नहीं है, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा कुछ करा भी नहीं था और बाकी ज़्यादा कुछ था भी नहीं। तो अभी जो मैं मतलब ऐसी ऐसी बातें जो बहुत ही मतलब मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो वही चीज़ बातें बताऊँगा। तो आता है 2020, और 20 में ऐसा होता कोरोना COVID-19 जो स्टार्ट हुआ था वो ज़्यादा ही फैलने मतलब बात बातें जान चलने की थी। तो फैब आता है, और मतलब फैब में जो डेज चलते रहते हैं जो तरीके क्या उल्टे पुल्टे डेज होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है मतलब उस टाइम पर तो बहुत अच्छी बातें हो जाती है। तो उस टाइम पर एक चॉकलेट डे आता है, मेरे भाई भाई क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई एक चॉकलेट तो दे दो उसको। अब देखो वो मेरे को चिढ़ाते थे, मैं मानता था कि मैं उसको पसंद करता हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती है, तो इस बात से वो लोग मेरे को चिढ़ाते भी थे। और ये सब मतलब ज़्यादातर लोगों को पता भी चल गया था, किन की वजह से, मेरे भाइयों की वजह से, ताई और चाचा की वजह से, तो ये सब पता चल गया था। तो उस वजह से
वो लोग मेरे को चढ़ा दे रहे हो तो चॉकलेट डे वाले दिन उन्होंने कहा कि चॉकलेट तो दे दे भाई, ऐसा क्या कर रहा है तू। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे याद नहीं है, वो 20 या 40 वाली डेयरी मिल्क ला के उसको दे देता हूँ। अब भाई जब मैं उसको देने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने क्या कर रहा हूँ ये, मतलब उस टाइम पे मेरे को इतना वो भी नहीं था कि मैं दे देता हूँ। फिर मैं उस टाइम पे तो मतलब ये नहीं बोला था, लेकिन अभी जब मैं सोचता हूँ ना कि मैंने उस टाइम पे क्या करा था, तब मैं सोचता हूँ कि भाई क्या मैं क्या पागल था यार। मतलब कुछ अंदर से अलग ही फील होता है कि क्या कर रखा था मैंने उस टाइम पे। तो वही ज़्यादा कुछ गलत मत समझना, मेरा चॉकलेट डे उसको चॉकलेट दे दी थी, बाकी उसने ले भी ली थी वही भाई, तो उस वजह से थोड़ी अच्छी बात भी चली थी। तो एक तो पहले मेरे को ये चीज़ समझ भी नहीं आती कि फैब में इतने घटिया घटिया डेज ला देगी, किसको ज़रूरत है भाई। मतलब सोचता हूँ कौन पागल होगा जो डेज मनाते हैं भाई, मतलब वैलेंटाइन डे, किस डे, हग डे, चॉकलेट डे, भाई हग डे है, उसके गले पे मिलने से बढ़िया तुम उसको हग दो मुँह पे। क्या क्या डेज होते हैं, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो बाकी अगर जिस किसी को भी बुरा लगा होगा तो सॉरी, बल्कि मैं बताऊँ ना, मेरे लिए तो बेकार डेज है, कुछ मतलब बहुत घटिया डेज होते हैं वो मेरे हिसाब से, तो कुछ है नहीं। तो उसके बाद मतलब मैं एक तो ना मैं बहुत सारी बातें चीज़ें भूल भी चुका हूँ, एक चीज़ मुझे याद है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं मतलब घूम रहा था, मैं अपनी गली में घूम रहा था, तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे पैंट की जो पीछे वाली जेब होती है वो एक्चुअली किसी से पड़ गई थी। तो उसके बाद क्या, तो मैं घर के लिए जा रहा था, तो जेब मैंने ऐसा पीछे पकड़ के चल रहा था ऐसे जेब, क्यों आधी वो पता नहीं कैसे फट गई थी। ऐसे मैं साइकिल चला रहा था, साइकिल से कुछ हो गया था, बाकी वो मेरे को रास्ते में मिलती है, वो उसकी बड़ी बहन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मुझे कोई क्लास की बुक चाहिए थी, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर पे लेके चल जाता हूँ, क्योंकि जो उसकी जो बड़ी बहन थी वो मेरी दीदी के साथ पढ़ती थी, तो मैं उसको घर पे लेके चल जाता हूँ कि मेरे ऐसे दीदी को पता हो कि वो कौन सी बुक ले रही है। तो मैं उसको घर पर लेके चल जाता हूँ अपने, तो वहाँ पर वो बातें बातें करती है, तो वहाँ पर वो पूछते हैं बुक के बारे में। अब उसके बाद क्या होता है, क्या है, वो मेरी दीदी जो है वो किसी अपने दोस्त के पास लेके जाती है, उनके पास बुक थी, तो उधर चले जाते हैं। उधर जाने के बाद मैं भी जाता हूँ उनके साथ, तो वहाँ पर मतलब मैंने एक चीज़ ऐसे ही कर दी थी ना, जिसके वजह से मुझे अभी भी बहुत हंसी आती है, मतलब बहुत अजीब लग अकॉर्ड फील होता है कि भाई मैंने क्यों करा ऐसा। तो हुआ क्या था, मैं उस किसी मतलब मेरी दीदी के दोस्त के पास जाते हैं जहाँ से बुक लेनी होती है, तो हम लोग वहाँ जाके जब सारी सारी बात हो जाती है, जब वो जा रही होती है, तो मैं उससे कहता हूँ कि कल आ जाना खेलने के लिए। और भाई जब मैं उस चीज़ को अब सोचता हूँ ना कि मैंने ये क्या बोला था, उल्टा मतलब बहुत ही अजीब सा फील होता है कि मैंने क्या बोला था। तो वैसा था, तो उसके बाद मतलब तो मैंने शुरू में ऐसा क्यों बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये नहीं थी, वो इस वजह से क्योंकि वो मेरी एक्चुअली गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस मेरे भाई भाई जो थे वो देख के चिढ़ाते थे मेरे को, तो उन सबको क्या लगे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो एक्चुअली में नहीं थी, तो बस ऐसी बात बातें करते थे हम लोग ऐसी। तो फिर बाद में आता हूँ कि अभी मतलब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मेरे पास फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन का इतना एडिक्शन हो गया था मेरा फ्री फायर का, कि मैं पूरे टाइम फ्री फायर ही खेलता रहता था, बहुत गंदा वाला एडिक्शन हो गया था फ्री फायर का मुझे। मैं पूरे टाइम फ्री फायर खेलता रहता था, फ्री फायर फिर सब बंद कर दिया था बात करना। तो 2022 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, तो उसके बाद से तो मैं और भी मेरा घर निकलना बंद हो गया था, मतलब घर से बाहर आना बंद हो गया था, बस स्कूल जाता था, स्कूल से घर, बस हो गया, और मैं कहीं नहीं जाता हूँ। तो इस अभी भी ऐसा ही है कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ, घर से बाहर भी निकलता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के वहाँ भी नहीं जाता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब अभी आजकल जो मिलती है वो मेरे से, तो मैं मतलब कोई ऐसा, हम लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं ऐसे कि कोई भी एक दूसरे को जानता ही नहीं है, तो मतलब वैसे तो मैं तो जानता हूँ उसका पता नहीं, वो मुझे भूल गई नहीं पता, कि जब भी वो जाती है वो मेरे को सीधे से बिना देखे चली जाती है, तो मैं भी ये करता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, तो यही करता हूँ। फिर अब मुझे अभी मतलब और बातें याद भी नहीं है, ना ही कुछ पता है अभी मुझे, मतलब अगर मुझे याद आएगा ना तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कॉन्टेंट तो निकल रहा मेरा। तो अभी ऐसा करते छोटे करते हैं, अगर आपको वीडियो ऐसी अच्छी वीडियो करते हैं लाइक चैनल में नए तो कर दो सब्सक्राइब, और मेरी मस्त मस्त वीडियो और भी आने वाली है, और एक वीडियो ऐसा आने वाली है जिसमें तुम लोग मैं सच कर रहा हूँ बहुत अच्छी आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। तो अभी ऐसा करते हैं, इस वीडियो करते हैं एंड, और मिलेंगे आप अगली ऐसी न्यू वीडियो में। बाय बाय।